नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 7 अक्टूबर 2024। इस समय मैं हूँ नौशी भाई के पास। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी गौरव साहब। तो सबसे पहले नौशी भाई बताइए क्या हाल है आज? देखो पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में सेम वही रेट चल रहा है जो पहले चल रहा था। कुल मिला के यह है कि जो लोगों को उम्मीद थी नौ दुर्गा में जैसा बिकने चाहिए वो बिका नहीं। अच्छा, वही पोजिशन समझ लो जो बिक रही। तो कल संडे वाले दिन क्या रहा? हम तो आए ना, कल की बिक्री में भी यही फर्क नहीं था, कोई ऐसी चीज थी बिक्री भाई साहब 20 रुपये से लेके 21-22 यही पोजिशन नहीं थी। अच्छा अच्छा, गिले की? अब तो गिले ही आ रहा है, 90% सूखा कमी आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब कोई शिकायत नहीं है फटके फटके की धागी वागी की। तो ज्यादातर गिले ही आ रहा है। आज जैसे फटपे आलू कम दिख रहा है, क्या चक्कर? अब कमी जो मंगा रहे हैं, देखो बिक्री में दम नहीं है, आज कम जैसे होना चाहिए। हाँ हाँ, कमी मंगाई। तो अभी जैसे नवरात्रि के अभी तो हैं, 2-4 दिन हो रहे हैं अभी। हाँ जी, 2-4 दिन है, देखते हैं, हो सकता है एंड के 2 दिन सही चल जाए। अच्छा, शुरू के 2 दिन सही चलते हैं और एंड के सुनते हैं, बीच में थोड़ी स्लो हो जाती है बिक्री, क्योंकि ज़्यादातर जो पैकार जो स्टॉक में ले आता है माल, तो वो पूरे एक हफ्ते का कोटा पूरा कर लेता है। हाँ वही बात तो बस बस यही है। उस दिन जब बिक्री ज़्यादा हुई थी उस दिन उन्होंने पहले ही आलू ले लिया। बस बस बस। तो अब क्या लग रहा है आपको, मतलब अभी आगे बिक्री और खुलेगी? देखो जी, नौ दुर्गों के बाद खुलनी चाहिए मेरे। लोग नवरात्रि को देखते हैं, नवरात्रि पे लोग बागों ने रोक रखे, सारे किसानों ने कि ऐसे बिकेगा ऐसे बिकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नौ दुर्गों के बाद बिक्री खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से। ना वो तो आप हर साल बेचते हो, बस नवरात्रि आपके लिए हर साल आती है। नवरात्रि में जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता, मामला स्लो ही चलता है। अच्छा, जो अभी नवरात्रि में बिक्री हो रही है वो आने वाले समय में भी होगी? हाँ वो तो चलती रहेगी। अच्छा, ऊपर वाले जात से अच्छी शुरू हो जाएगी, मौसम भी और ठंडा हो जाएगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अभी जैसे बात करें जैसे अच्छे सोना की क्या रेट है सूखे के? सूखे पे गए, देखो जी अच्छे सब सोना 1050 से लेके 1075 तक के, 1075 किसान के दाम बढ़ गया, और हल्के में मान के चलिए 18 से लेके 20 रुपये किलो तक, 20 रुपये किलो हल्के जैसे माल है वैसे भाव। और गुल्ला की बात करें, गुल्ले कम आए मंडी में, गुल्ले की डिमांड ज्यादा है जी। अच्छा हाँ, गुल्ले सही आए, गुल्ले भी बिके आज 20 रुपये किलो तक के, किसान के दाम अच्छे। आज भी गुल्ला आया है तो तुरंत बिक जाएगा? हाँ जी, गुल्ले कम है मंडी में, आज भी मोटा बहुत है मंडी में, मोटा अच्छा खासा है मंडी में, गुल्ले कम है। अच्छा, और हाँ गुल्ले की डिमांड बहुत है। तो गुल्ला का क्या रेट माने गिले का? गुल्ले अच्छे बिके जी 900 से लेकर 950 और ऊंचे में 20 रुपये किलो तक, 20 रुपये किलो 1000 के किसान के दाम। किसान और गुल्ली की? गुल्ली 600 650 रुपये, 650 रुपये चिप सोना ही गुल्ली, 750 की पाँच सौ साढ़े। और किर्री मोटी से ऊपर कैसे, मतलब सही रेट में कैसे? ये शुरू से बिकते हैं, और बम्पर जो होता है बम्पर बहुत मतदा बिका, इस साल बम्पर की डिमांड नहीं रही है। अच्छा हाँ, बम्पर मतदा बिका, आपकी गुल्ला में सही बिकी आपकी, शुरू से गुल्ला बिका है, किर्री गुल्ला लोग भगवान ने शुरू में निकाल दिए। तो कोल्ड में इस हिसाब से किर्री गुल्ला कम बचा है, कोल्ड में मोटे हैं जी जी जी। हाँ किर्री गुल्ला कम है। तो कोल्ड की क्या पोजीशन मान्य हो, क्या चल रहा है? कोल्ड माल देखो अच्छे खासे निकल रहे हैं, निकासी अच्छी खासी हो रही है, अपने अलीगढ़ में कम बिक रहा है, लेकिन बाहर मंडियों में अच्छे खासा माल जा रहा है, खूब लोडिंग हो रही है, बिक भी रहा है खूब, 5-5-6-6 गाड़ी लोड। हाँ जी खूब जा रहे हैं, देखो दिल्ली बिल्ली में अच्छे खासे बिक रहे हैं, 200-200 गाड़ी जा रही है जी, और बिक भी खूब रहे हैं, 150-160 गाड़ी बिक रही है, 160 गाड़ी। हाँ ये छोटी मंडी अपने अलीगढ़ की मंडी में मत रहो, दिल्ली में जी आज 170 गाड़ी आज भी 100 बता रहा, 160-170-180 गाड़ी हो रही है रोजाना, बिल्कुल, और बिक भी रही है, बिक्री भी अच्छी बिक रही है। तो लगभग आज लगभग बिक्री है पूरे अलीगढ़ में, अपने अलीगढ़ की मंडी को मत देखो, ये अलीगढ़ की छोटी मंडी है, जरा माल ज्यादा आया तो चलो देखेंगे शुगर फ्री में। हाँ हाँ ये तो चलेगा, बिल्कुल ये तो बिकेगा। तो और ये भाई साहब, ये हमारे किसान भी हैं। अच्छा, और दिल्ली की गाड़ी भी अपने ले आते हैं, इनकी गाड़ी भी है खुद की, 2-3 गाड़ी है। कोल्ड की क्या स्थिति है, कोल्ड में क्या भाव चल रहा है? कोल्ड में भी जाते आते रहते हैं। तो भाई साहब क्या स्थिति है, आलू कैसा निकल रहा है कोल्ड से? कोल्ड स्टोर से बढ़िया आलू निकल रहा है, बढ़िया निकासी चल रही है। हाँ, बढ़िया निकासी है, जितनी भी है बहुत सारा आलू निकल रहा है। अच्छा, तो ये लोग बता रहे हैं अभी तो कोल्ड में 50% आलू भर पड़े ऐसा है? नहीं नहीं, ये सब भाई खबरें हैं, ज्यादा ज्यादा 30-35-40% उसमें बीज भी है, उसमें बीज भी है। हाँ तो मतलब वही लिमिट का 20-21% बचेगा जी जी राशन का। तो अभी जैसे गुल्ला में ये मानना भाई साहब के गुल्ले डिमांड ज्यादा है ऐसा दिख रहा है आपको? गुल्ले की डिमांड इस वक्त पूरी साल रही है। अच्छा हाँ, दिल्ली में तो और ज्यादा है, यहाँ से भी ज्यादा। अच्छा हाँ, 150 रुपये कभी कभी मोटे से भी महंगा आलू बिक जाता है गुल्ला। अच्छा अच्छा हाँ। तो आप दिल्ली भी घूमे आए हो? हाँ जी। तो जी, जी। दिल्ली में जैसे 150 गाड़ी से ऊपर जा रही है हाँ। तो अब आपको लग रहा है दिल्ली मंडी गाड़ी बेच रही है खूब? हाँ, इस वक्त जो इस 15-20 दिन से जितना भी माल पहुँचता सब इज्जत से खाली हो रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हल्के आलू है वो रुक जाए, वो 1-2 दिन में खाली हो जाती है। बिल्कुल। ये तुम्हारे शनिवार वाले दिन तो 152 गाड़ी बेची है दिल्ली वालों ने। जी जी जी, सारी गाड़ी खाली हो जाती है। तो आज 172 गाड़ी है। तो अच्छा लगा, मौसम 2 दिन की मंडी के बाद खुली, आज सारी 172 ही बिक सकती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी जैसे मंडी की पोजीशन से कोल्ड में आलू का रेट सही मिल रहा है किसानों को? हाँ किसान, बढ़िया मिल रहा है। अब की बार ऐसा हुआ है कि 150 रुपये किसानों को कोल्ड स्टोर में अच्छा मिला, मंडियों में ही कम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो महंगा रहा है कभी ऐसा कोल्ड में 50-40 रुपये 100 रुपये, क्योंकि कल बाबा कोल्ड में 1100 कुछ लगे हैं, 1160 रुपये तक बिका है चिप्सन आलू।
हाँ बिका है, और अभी अभी नौसे भाई ने बताया कि यहाँ 1075 हो रहे हैं सभी। मैं वही तो कह रहा हूँ नौसे भाई, पकड़ो बाबा कोल्ड में 1160 की। देखो जी यार कोल्ड में बता रहा हूँ जैसे माल है वैसे भाव है, 1000 के भी बिके, 950 के बिके, 1050 के भी, 1100 माल है, क्वालिटी बिकती है, हर जगह क्वालिटी होती है। मैं ऊंचे में मान रहा हूँ, आपके यहाँ ऊंचे में कितने रेट में? ना यहाँ तो भाई साहब 1100 रुपये पोषण मान लो, सुपर आलू की बढ़िया से बढ़िया 1100 कोल्डो में महंगे, मैं बता दे रहा हूँ कोल्डो में किसान बेचता है। मैं क्या कह रहा हूँ कोल्डो में बेचता है, रुखे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मंडी मंडी को नहीं देखा, यहाँ पर कोल्डो में बेचता रहे, चलता रहेगा आलू कम रहेगा, बस चलता रहेगा, ठीक है। तो लोग बात करेंगे एंड में यो ना, देखो एंड में वही आलू रोकेगा जिसके मजबूत दिल होंगे, जो रोकने वाले वही रिक्स ले सकते हैं, हर किसी के बस की नहीं है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, तेजी भी हो सकती है, मतदा भी, जिसके मजबूत मजबूत हाथ है, इनके दिल मजबूत है, सिर्फ वही रोक सकता है, हर किसी की बस की नहीं है रोकना। अच्छा अच्छा, लोग बाग रोकते हैं एंड में वही रोकते हैं जिसे रिक्स लेने का शौक है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा उनका आलू फिकता भी है और बिकता भी है, दोनों ही बात होती है एंड में। हाँ छोटे मोटे आदमी नहीं रोकते, जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो तो चला पूरा रोकने कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आदमी रोकेगा मजबूत हाथ वाले, छोटा आदमी नहीं रोकेगा, वो बेचेगा, और मेरी निगाह में बेचने में ही भलाई है, वो बेचता रहे चलता रहे तभी आगे बिकेगा आलू, ऐसा रोकना सही नहीं, मतलब कम माल में रिस्क ले, नहीं नहीं हाँ, जिन देखो जो रोकते हैं हर साल, जिनके मजबूत हौसले जो रोकते हैं वही रोके, हर कोई नहीं रोक पाएगा, जी 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 हाँ, हर कोई नहीं रोक पाएगा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, तो जो जा रहे हर साल रोकते हैं। एक बात का जवाब और दो, जैसे जिस तरीके से निकासी चल रही है, मान के चलो अक्टूबर ये निकल गया, निकासी अच्छी चल रही है, अगर ऐसी चलता रहेगा आलू मतदा नहीं बिकेगा, इज्जत के साथ खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, चलता रहे निकालते रहे रोके नहीं, क्योंकि देखो वक्त धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है, हाँ हाँ, तो और आलू देखो निकल भी अच्छा खासा रहा है, और अपने बेचते रहे किसान फायदे में। शुगर फ्री में कोल्ड कब तक चलाएंगे जी? देखो अभी जहाँ पर आलू है वहाँ तो अच्छे खासे आलू हमें चलती रहेंगी मशीनें, अच्छा, लेकिन उनका अभी टाइम टेबल होता है, जहाँ तक उनका टाइम टेबल है उससे 10-20 दिन तक वो फालतू चलाते हैं लोग, फालतू चलाते हैं, और किसानों को ये भी कहते थे ये आखिरी बोलिए बेचने की कोशिश करें, किसी किसी कोल्डों में बोलियाँ बंद भी हो जाएंगी, एक आध बोली लगेगी, और बहुत से एक दो बोली का टाइम भी देंगे, उसमें किसान बेचे तो फायदे में रहेगा, बोली खत्म हो जाएंगी उसमें और नुकसान रहता जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेचने का सही रहेगा, बेचने दूसरों को बड़े आदमी की होश नहीं करे छोटा आदमी, क्या एंड में योगा देखो बड़े रोकते हैं, जिनके हौसले बुलंद है अपने एंड करते हैं, इनका मतदा ही बिकता है, तो गेम अलग है, हाँ उनका गेम अलग है, उनकी पैसा गेम खेलते हैं, हाँ उनका उनका बिकता भी है बिकता भी है। हमें तो अपने किसानों को बस यही बताना है कि आलू में थोड़े आलू में रिस्क ले सकते हैं, जो क्षमता हो बस बस, क्षमता से ज्यादा लोगे तो फायदा नुकसान आपको देखना, और मेरी निगाह में देखो ये कम नहीं है भाई साहब, 1000, 1050, 1100 रुपये बहुत रेट है, ऊपर वाले ने दिए बेचते रहे तो फायदा है, नहीं पूरी साल आनंद आया कोई दिक्कत, हाँ हाँ पूरे साल अच्छे बिके आलू। तो नौशो भाई आपकी दुकान पे ये कौन सा आलू जो लंबा है ये वाला? ये 275 है भाई साहब। ये क्या रेट है? ये आज 26 रुपए किलो बेचा मैंने, 26, हाँ इसकी डिमांड अच्छी है, मतलब बिक जाते हैं 40-50 पैकेट हम रोजाना मंगाते हैं, ये 26 रुपए किलो किसान के दाम है, जी जी 26 अच्छा माल जो किसान के दाम है 26 रुपए किलो, नीचे में 1200 बिकाएंगे। अच्छा हाँ, 1250। सूर्य का रेट कैसे कम है? सूर्य यहाँ पर नहीं बिकती है, अलीगढ़ में कम बिकती है, सूर्य दिल्ली में बिकती है, कोल्डो में महंगी बिक रही है, हाँ तो नहीं देखो सुनो, चिप्सों आलू बिक रहा है 1100-1150 तक, सूर्य 1200 रुपये बिक रहा है, तो 50-60 रुपये का अंतर है, देखो हर जगह फर्क है, अच्छी सूर्य ऊपर भी बिक रही है, चंदौसी बंदौसी की देख लो, दिल्ली में हमारे यहाँ के यहाँ से 200 रुपये ऊपर बिकती है, अच्छा दिल्ली में देख लो अपने अलीगढ़ की बिकेगी 1200 में 1400-1500 बिक रही है चंदौसी, चंदौसी की तो वहाँ की ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग का फर्क होता है भाई साहब, यहाँ ग्रेडिंग नहीं हो पाती उसी, बिल्कुल अच्छी ग्रेडिंग हो बिकेगा माल, क्यों नहीं बिकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नौशी भाई, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, ठीक है भाई नमस्कार। तो किसान भाइयों जो आप देख पा रहे हो आज लगभग मंडी में थोड़ी सुस्ती सी देखने को मिली है, लेकिन बिक्री फिर भी सही है, मतलब और दिन की अपेक्षा देखें तो सुस्ती है, लेकिन आज फिर भी बिक्री बहुत अच्छी है, लगभग फर्डर पूरा खाली इन्होंने कर ही दिया है, ये थोड़े से पैकेट रह गए बस, ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकी सब ये बिक चुका है ये वाला सब, लेकिन हाँ ये है कि आज फिर भी बिक्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन और दिन की अपेक्षा देखें उससे थोड़ी सी कम है बस। नमस्कार, धन्यवाद।